हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आए हैं। अगर आप इस रीडिंग को पसंद करेंगे तो हम डेली आपके लिए लेकर आएंगे। इसमें हम आपके नाम के इनिशियल पर हम देखेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो मैं डेली आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी। तो हमारे पास दो पाइल हैं। ये जो है फर्स्ट पाइल है येल्लो पाइल। अगर इसमें आपके नाम के इनिशियल्स आते हैं तो ये पाइल आपके लिए है। और सेकेंड पाइल है पिंक पाइल। अगर आपके नाम के इनिशियल्स इसमें आते हैं तो ये पाइल आपके लिए है। तो चलिए गाइज, चुन लीजिए और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। जो भी कुछ निकल कर आएगा वो सारा मैं बताऊंगी और आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। और हम एक एंजेलिक नंबर भी देखेंगे। ये नंबर आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं? जिसको बार बार एंजेलिक नंबर दिखाई देते हैं वो देखेंगे कि ये आपको क्यों दिखाई देते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट फाइल जिन्होंने भी चुनी है उसकी हम रीडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं एंजेलिक नंबर निकाल लेती हूँ आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग को पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए और भी ऐसे ही डेली लेकर आऊँगी हर दिन, ठीक है। और मैंने आपके नाम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग की है, क्योंकि कलेक्टिव में पता नहीं चलता है कि ये रीडिंग किसकी है। और जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। वैसे देखिए, अगर आपको 12 दिखाई दे रहे हैं तो गार्जियन एंजल्स जो हैं ये कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टिव हैं, आपको जो है प्रोटेक्ट प्रदान की जा रही है, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्शन प्रदान की जा रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 888 दिखाई देती हैं तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली अबंडेंस आएगी, ठीक है। आपकी जो डिज़ायर थी वो पूरी होंगी, आपके पास बहुत सारी मनी आएगी। नेक्स्ट, अगर आपको जो है 945 दिखाई देते हैं, देखिए, तो आप अपने ट्विन से बात कर सकते हैं, इंटीमेट लेवल तक जा सकते हैं उनके साथ में, ठीक है। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है। 232, रोमांस योर सेल्फ एज अ वे ऑफ अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दिस एनर्जी इन टू योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में रोमांस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपको खुशी मिलेगी। एक और ले लेते हैं। 7111, ट्रिगर्स ब्रॉट ऑन बाय योर काउंटर पार्ट आर नेसेसरी फॉर द हीलिंग ऑफ पास्ट वॉन्ट्स एंड ट्रॉमास। यानी कि आप ट्रिगर हो रहे हैं आपके पार्टनर से, यानी कि आपके पार्टनर जो भी बात कह रहे हैं आप ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये आपके लिए हीलिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट के जो घाव हैं आपके, जो ट्रॉमास हैं, वो तभी फील हो सकते हैं जब आप ट्रिगर होंगे, तब अपने आप में आप सुधार करेंगे। जहाँ जहाँ कमियाँ रह गई हैं वहाँ सुधार करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको ये सारी जो है चीज़ें पास्ट की, उनको हील करके ही जाना है यहाँ से। ये आपकी ड्यूटी है और तभी आप जो है असेंशन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये ट्विन फ्लेम के लिए भी है, सोलमेट के लिए भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो काउंटर पार्ट की बात हुई है वो ट्विन फ्लेम के लिए है। तो 7111 अगर आपको दिखाई देता है, अगर आपके पार्टनर ट्रिगर कर रहे हैं, यानी कि बात छोटी बातों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा जो है दुखी होना पड़ता है, या आपके पार्टनर आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आपकी हीलिंग के लिए बोल रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये, तो आप उसको देखें और अपने आप को हील करें, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आज के दिन का। यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है आज के दिन के लिए आपका, तो वो है कि आप अपने पार्टनर की तरफ जा रहे हैं बहुत ही फास्ट। तो आप उनसे क्लियरिटी मांग सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, किसी भी काम को लेकर के आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें जो है गलत डिसीजन भी लिया जा सकता है, क्योंकि आप हवा के झोंके के विपरीत जा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और इस टाइम जो है आपके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, आप लॉजिकली चीज़ों को ले रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप जो है
सेलिब्रेट करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी वेडिंग में जाएं या फिर कोई एंगेजमेंट में जाएं या कोई प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट करें, या फिर जो है आपने ग्रेजुएशन पास आउट की है तो उसके लिए आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये टाइम जो है ये खुशियों का है, आज के दिन आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गॉड को ग्रेटिट्यूड करना ना भूलें, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ में आप इंजॉय करिए, यही आपके लिए है कि आप आज बहुत खुश रहने वाले हैं, अपने फैमिली को टाइम देने वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहेंगे। देखिए अगर आपकी मैं जॉब करियर की बात करूँ तो आज के दिन जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़िए, आप प्रोटेक्टिव हैं ऐसा कहा जा रहा है। आपको अपने वर्क प्लेस पर अगर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो आप गिव अप ना करें, आगे बढ़ें, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपने एंजल से हेल्प ले सकते हैं। चलिए गाइस देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या है साईं बाबा की तरफ से। आज के लिए आपके लिए क्या मैसेज है, वे जो कंगाल हैं भूखी और दुखी हैं मैं उनके करीब हूँ, यानी कि आप जो हैं परेशान ना हो। वो कह रहे हैं कि आप मेरे जैसे ही हैं, मैं दुखियों के पास में रहता हूँ, इसी तरह से आप भी लोगों की मदद करते हैं, मदद करने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। भगवान आपके तो वैसे ही साथ हैं और आप भगवान के जैसे ही हैं, भगवान का अंश है। यहाँ पर कर्म कार्य कारण भाव सजा नहीं, आप काम करते जाइए, इसको सजा ना समझें, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको क्लोज करेंगे। देखिए राधा क्या कह रही है कि रीडिस्कवर आ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, यानी कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम के लिए मैसेज आया है कि अपने काउंटर पार्ट को आप डिस्कवर करें और फिर अपने रिलेशनशिप में हार्मनी और पीस लेकर आएं और हील करें अपने आप को, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज था फर्स्ट फाइल के लिए। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फाइल नंबर टू, जिन्होंने भी फाइल नंबर टू पिंक को चुना है जिसमें आपके इनिशियल्स आते हैं BDFHGLNPRTVXZ, तो उसकी हम रीडिंग देखने वाले हैं कि क्या निकल कर आता है। पहले हम एंजेलिक मैसेज देख लेते हैं, यानी कि एंजल नंबर अगर आपको दिखाई देते हैं या फिर एंजल नंबर आपको क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। देखिए अगर आपको 2424 दिखाई देते हैं, आप पेशेंस के साथ में अपना काम करते रहिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि आपके जो एंजल्स हैं आपके लाइफ पर्पस को आपके मिशन तक वो पहुंचा देंगे। आप कंटिन्यू जो काम कर रहे हैं उस पर करते रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए। 777 रैपिड सोल डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम, यानी कि अभी जो चैलेंजिंग टाइम है उससे आपकी सोल की ग्रोथ ही हो रही है। आप उसमें ये ना सोचें कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ठीक है। 999 यानी कि मास्टर ऑफ सेल्फ लव हैज़ बीन ऑब्टेन इन प्रिपरेशन फॉर यूनियन, यानी कि 999 अगर आपको दिखती हैं तो इसमें आपको सेल्फ लव की तरफ बढ़ना है जो आपकी यूनियन की तरफ ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 8338, यू एंड योर ट्विन फ्लेम्स आर मिररिंग ईच अदर्स थॉट्स एट दिस प्रेजेंट टाइम, यानी कि इस टाइम जो है आपकी और आपके पार्टनर यानी कि जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन जो भी हैं वो आपको मिरर कर रहे हैं, इसलिए ये नंबर आपको दिख रहे हैं। और नेक्स्ट है 666, योर थॉट्स नीड सम रिफोकसिंग, दिस इज़ अ रिमाइंडर दैट यू आर अ स्पिरिचुअल बींग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि आप ह्यूमन बींग होने के नाते जो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं इसमें ये जो थॉट्स आपके माइंड में बार बार रह रह करके आते हैं, बार बार कोई विचार आता होगा, बार बार आता होगा, आपको याद दिलाना चाहता है कि आप एक ह्यूमन बींग के अंदर एक स्पिरिचुअल पावर हैं। आप एक ह्यूमन बींग होते हुए भी आपको जो है एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ना है, जो गॉड ने आपको जिस वर्क के लिए यहाँ पर भेजा है उस काम को करना है। बार बार आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं आप उनको ध्यान से देखिए कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में जो हम ग्रोथ करने के लिए आए हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो हमारी होगी वो उसकी वजह से आपको ये 666 दिखाई दे रहे हैं कि उस थॉट पर ध्यान दीजिए जो आपको बार बार आकर के एहसास कराती है कि देखिए ये यूं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है।
आज का दिन और आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए तीन कार्ड निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला कार्ड क्या बताता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा जो है वर्क करते हैं, मल्टीपल जॉब करते होंगे, तो अभी आपको जो है बैलेंस बनाने का टाइम है कि आप बैलेंस बना करके चलिए, थोड़ा सा एंजॉय भी करिए। ज़्यादा अपने आप को बिजी रखेंगे तो इससे आपको स्ट्रेस होगी, ठीक है, इसलिए आपको बैलेंस बना करके अपनी लाइफ में चलना है और अपने फैमिली को भी टाइम देना है, अपने लिए भी टाइम रखना है। आप एंजॉय करिए, थोड़ा सा नींद लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप थोड़े से जो है इनडिसिसिव हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको ये करना है कि आपका हर्ट क्या कह रहा है आपको, उसको देखिए। चाहे आप जॉब, करियर, फाइनेंस को लेकर के डिसीजन लेते हों, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप कोई डिसीजन लेते हों, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने हर्ट की सुनिए, आपका हर्ट जो कह रहा है उसको ट्राई करिए, ठीक है। आप ऐसा कह देते कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको सोचिए कि आपका दिल क्या कहता है, आपकी आत्मा क्या कहती है, और उसी काम में आप आगे बढ़िए। आप सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यह है बैलेंस बना के चलना। देखिए आपके माइंड में जो आइडियाज आ रहे हैं उनको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे, ठीक है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो दी बेस्ट है आपके पार्टनर, और आप कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने रिलेशनशिप को बेटर करिए, नहीं तो आप सेपरेशन में जा सकते हैं, ठीक है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, पेशेंस रखना है और बैलेंस बनाकर चलना है लाइफ में। अगर आप बैलेंस बना करके चलेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आप अगर अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिए, वरना बहुत देर हो जाएगी और फिर आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाइए, ठीक है, ताकि लोग आपके वर्क की तरफ अट्रैक्ट हों और ज़्यादा ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सके। चलिए अभी हम देख लेते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। और गाइज अगर आपको इस तरह की रीडिंग और चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि डेली आपके लिए मैं लेकर आऊँ। कनेक्ट विद हेवंस, आस्क एंड यू शैल रिसीव, यानी कि आपको जो है एंजल्स से कनेक्ट होना है, गॉड से कनेक्ट होना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, और फिर उनसे आप जो है अपने लिए कुछ भी मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं, उनसे रिसीव कर सकते हैं, जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो इजीली उनसे रिसीव कर सकते हैं। चलिए और देखिए आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सच्चाई का सामना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, भ्रांति मिथ्या, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में जो दिख रहा है ना सच, उसी का ही सामना करिए। ये नहीं कि ये तो सब ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, जो सच बात है वो सच ही है। आप उसको जो है झुठलाने की कोशिश ना करें, ठीक है, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो सच है उसको देखें कि वास्तव में सच है क्या और मेरे लिए कितना बेनिफिट देगा या नहीं देगा, ठीक है। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। अगर आपका रिलेशनशिप आपको दिख रहा है कि आप सेपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप उसको देखने की कोशिश कीजिए। आप ये ना सोचें कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही दिख रहा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, तो आप अपने आप को झुठलाने की कोशिश ना करें। और अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो किसी फ्रेंड्स की, किसी रिलेटिव्स की, तो आप उसकी मदद लेकर के अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कीजिए। यही कहा जा रहा है आपके लिए। और यहाँ पर गॉड से, यूनिवर्स से जुड़िए और जो भी ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं उनको रिसीव करिए, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज था। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।